ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल. इट कम्स फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल. इट्स अ फॉसिल फ्यूल एंड द नेक्स्ट फ्यूल इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल. नेचुरल गैस हमने देखा है कि कोल और ऑयल जो होता है दे आर फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होते हैं. और सेम उसी तरह से नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. सो नेचुरल गैस इट्स अ फॉसिल फ्यूल. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म. इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड इसके बनने की प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है एज ऑफ ऑयल. जिस तरह से क्रूड ऑयल बनता है उसी तरह से ये भी फॉर्म होता है. नेचुरल गैस भी फॉर्म होती है. सो फॉर्मेशन प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ नेचुरल इज देम सेम दैट ऑफ क्रूड ऑयल. जिस तरह से क्रूड ऑयल प्लांट्स और एनिमल्स के रेसिड्यू से बनता है उसी तरह से नेचुरल गैस भी फॉर्म होती है. तो इसीलिए इस वजह से नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स होते हैं दे आर नियर ऑयल रिजर्व. सो रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड नियर ऑयल रिजर्व्स. इस वजह से नेचुरल गैस के रिजर्व भी आपको ऑयल रिजर्व के पास में ही मिलते हैं. नाउ नेचुरल गैस इज फॉर्म बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो पुराने प्लांट्स और एनिमल्स जो खत्म हो गए थे उनके डीके उनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ने की वजह से नेचुरल गैस फॉर्म होती है. एंड बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट्स वाई नेचुरल गैस इज अ हाइड्रोकार्बन. देखिए जनरली हम जो भी फ्यूल यूज करते हैं एनर्जी के लिए जो फ्यूल यूज करते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन से ही होते हैं. बिकॉज कार्बन को जब आप बर्न करते हैं तो कार्बन के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है प्लस बहुत सारी हीट फॉर्म होती है. आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे देयर इज अ रिएक्शन नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है इस तरह की केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती हो. जैसे कि कार्बन का बर्न होना. कार्बन का बर्न होना मतलब कोल का. आप कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत सारी हीट फॉर्म होती है. हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है. सो दे आर बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो हीट बना के देगी. और अगर वो हीट धीरे धीरे बना रही है स्लोली एट अ स्टडी रेट देन वी कैन यूज दैट हीट. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि दिवाली पे बम फोड़ते हैं पटाखे क्रैकर्स आप जलाते हैं. तो क्रैकर्स में क्या होता है आप उसे जैसे ही बर्न करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है. उसमें बारूद होता है और बारूद केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो बर्न होता है और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है. लेकिन उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत सडनली प्रोड्यूस होती है तो इसीलिए हम उसे प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते. बट क्या होता है ऐसे फ्यूल ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें स्लोली एट अ स्टडी रेट पे हीट निकलती है उस हीट को हम यूज कर सकते हैं. तो इसीलिए जनरली आप ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स ही बेसिक एनर्जी के लिए फ्यूल्स हैं. ओके
जहाँ पे भी जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हैं दे आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स, जो नेचुरली हमें निकल के मिल रहे हैं, नेचुरली आ रहे हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, ओके, बट हाँ जो नेचुरली हमें ज़मीन से मिल रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, वो सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है दैट्स वाई इसका कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है एज एलपीजी। इसमें प्रोपेन होता है, इसमें ब्यूटेन होता है, देन मीथेन, देन इथेन। यह सभी चार गैसेस इसमें होती हैं, प्लस साथ में थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, थोड़ा सा हीलियम होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मिक्स रहती है, बिकॉज इट्स अ गैस। ये सभी गैशियस फॉर्म में इसमें मिक्स रहते हैं। हीलियम इज एन इनर्ट गैस, हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन नेचुरली हमें मिलता है, तो इसलिए ये नेचुरल गैस में होता है। अदरवाइज इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि अगर हीलियम हो या ना हो। बट H2S एक पॉइजनस सब्सटेंस है, ओके, H2S पॉइजनस है, और ये एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो नेचुरल गैस हमें रिजर्व से निकल के मिली है, उस रिजर्व से निकली हुई गैस में H2S की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे पहले रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करके इसकी मात्रा कम की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम की जाती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज वॉट, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। अगर नेचुरल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो सामने आएगी। तो इसीलिए उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा को कम करते हैं। लेकिन हीलियम इज एन इनर्ट गैस, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ना। सो मेन कॉम्पोजिशन में सिर्फ ये चार एलिमेंट्स हैं, और रिफाइनिंग के बाद इनकी मात्रा कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्लीन फ्यूल, इसे हम कहेंगे क्लीन फ्यूल। जिस तरह से एलपीजी को हमने देखा था, एलपीजी क्लीन क्यों था, बिकॉज उसमें ये चारों कंपोनेंट्स थे। ये चारों कंपोनेंट्स कंबशन पे, जलने पे, ये कोई खास पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, कोई खास पॉइजनस सब्सटेंस नहीं देते, दैट्स वाई हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मीथेन, मीथेन गैस खुद में जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अराउंड 55 किलो जूल्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो मीथेन इट्सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। तो जिस नेचुरल गैस में मीथेन की कंटेंट ज़्यादा होगा, वह नेचुरल गैस ज़्यादा होगी। बिकॉज देखिए, अलग अलग रिजर्व से नेचुरल गैस मिलती है, कोई रिजर्व फॉर एग्जाम्पल मुंबई में है, तो कोई रिजर्व त्रिपुरा में या जैसलमेर में। इंडिया में ये तीन मेन रिजर्व्स आते हैं, जैसलमेर, त्रिपुरा एंड मुंबई। सो मुंबई में जो गैस निकल रही है, हो सकता है उसमें मीथेन की मात्रा कम हो, जो त्रिपुरा में मिल रही है, हो सकता है उसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा हो। दैट्स वाई जिस फ्यूल में, जिस नेचुरल गैस में मीथेन की मात्रा ज़्यादा होगी, वो नेचुरल गैस हमारे लिए अच्छी होगी। तो इसी तरह से ये सभी कंपोनेंट्स होने की वजह से इट्स नोन एज अ क्लीन फ्यूल, एंड इट्स अ क्लीन फ्यूल, बट इट इज कलरलेस। यह गैस बिल्कुल कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि नेचुरल गैस कहीं पे दिख रही है या नहीं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी रिस्की प्रॉपर्टी, दैट इट इज ऑर्डरलेस। इट्स एन ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस गैस का मतलब होता है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। आप नेचुरल गैस को कभी सूंघ नहीं पाएंगे, जैसा एलपीजी का क्या होता है, एलपीजी अगर सिलेंडर से लीक होती है तो हमें फौरन पता चल जाता है, बिकॉज उसमें से एक पंजेंट सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल की मदद से हम बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे एलपीजी का लीकेज है। लेकिन नेचुरल गैस में ऐसी कोई स्मेल ही नहीं होती, इट्स एन ऑर्डरलेस गैस। तो अगर ये गैस ऑर्डरलेस है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहीं नेचुरल गैस लीक कर रही है या नहीं कर रही। देन नेक्स्ट इज इट इज हाईली फ्लेमेबल। यह गैस बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, मतलब अगर थोड़ी सी भी स्पार्क आपने इस गैस के आसपास कर दिया तो इट विल स्टार्ट बर्निंग।
इट विल वेरी क्विकली विल कैच फायर और बहुत जल्दी से ये बर्न होना शुरू हो जाएगी। सो इसीलिए क्योंकि ये गैस कलरलेस है तो हमें दिखेगी नहीं, दूसरी चीज ये गैस ओडोरलेस है इसलिए हमें स्मेल भी नहीं होगी, और क्योंकि ये फ्लेमेबल भी है तो अगर कहीं पे नेचुरल गैस लीक हो रही है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ नेचुरल गैस लीक हो रही है। एंड अगेन इट्स वेरी रिस्की, हल्का सा अगर वहाँ पे स्पार्क हो गया तो ब्लास्ट होने का डर है, बहुत जल्दी ये फायर कैच कर लेगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड, व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड अ केमिकल इज मिक्स्ड इन इट विच स्मेल्स लाइक रोटन एग्स। जो एग्स जब सड़ जाते हैं तो उसमें से जिस तरह की स्मेल आती है ऐसा स्मेल करने वाला एक केमिकल हम इसमें मिक्स करते हैं। व्हाई? बिकॉज नेचुरल गैस जो होती है रिजर्व बहुत दूर होते हैं, आप जानते हैं रिजर्व पानी के पास में होते हैं, कहीं ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे मार्शी लैंड है, जहाँ पे दलदल वाली जगह है, तो वहां पे अगर ये रिजर्व्स हैं तो वहां से नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए? आप इसे सिलेंडर्स में, आप इसे टैंकर में भर के नहीं ला सकते। द रीजन इज वहां पे टेरेन इस तरह की नहीं होती, वहां पे जगह इस तरह की नहीं होती जहां पे ट्रक्स चल सके, तो इसलिए इसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई में नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, वहां पे एक रिजर्व है, तो वहां से लेट से गुजरात में आप इसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, एंड दैट पाइपलाइन इज वेरी लॉन्ग, अराउंड 500,000 किलोमीटर, इतनी लंबी पाइपलाइंस होती हैं। और पाइपलाइन से जब हम इसे ट्रांसमिट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लीक होने का डर होता है। पाइपलाइन अगर कहीं से फूट गई या किसी ने उस पर कुछ स्ट्राइक कर दिया, कुछ मार दिया, तो हो सकता है वो पाइपलाइन टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी, या सम क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो पाइपलाइन खराब हो गई, तो उससे क्या होगा, नेचुरल गैस लीक होने लगेगी। नेचुरल गैस लीक होगी लेकिन वह कलरलेस है और ओडोरलेस है और बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि नेचुरल गैस लीक हो रही है, और कहीं पे स्पार्क हो गया गलती से तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें केमिकल मिक्स करते हैं, और वो केमिकल कुछ रोटन एग्स की स्मेल देता है, और उस वजह से क्या होता है, जब भी नेचुरल गैस लीक होती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ नेचुरल गैस लीक हो रही है। सो इन दिस वे नेचुरल गैस को ट्रांसमिट करके उसे उसका प्रिवेंशन जो होता है वो इस केमिकल के थ्रू किया जाता है। बाय दिस केमिकल हम बचा सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि नेचुरल गैस कहाँ से लीक होती है। देन खास बात यह है कि नेचुरल गैस गिव्स 50% लेस CO2 देन कोल। कोल से 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल गैस हमें देती है, एंड ऑल्सो गिव्स 25% लेस CO2 देन ऑयल। ऑयल से अगर कंपेयर करें तो नेचुरल गैस 25% कम CO2 देती है, और कोल से कंपेयर करने पे तो ऑलमोस्ट 50% कम CO2 देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 kJ ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करी तो 1 kJ ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने पे कोल जितना CO2 देगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, उसकी 50% कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल गैस रिलीज करेगी फॉर मेकिंग 1 kJ ऑफ एनर्जी, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kJ ऑफ एनर्जी। सो इसीलिए वी विल से इट्स अ नेचर फ्रेंडली फ्यूल। ये एक नेचर फ्रेंडली फ्यूल है। एंड अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, सो यूजेस, सबसे पहला यूज कौन सा है इसका, सबसे पहला यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सबसे मेन यूज है. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. और क्योंकि अगर हमें ऐसा कोई फ्यूल मिलता है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो कि क्लीन एनर्जी देता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. ये सबसे अच्छी चीज़ होगी. देन इलेक्ट्रिसिटी के बाद यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल नीड्स. डोमेस्टिक यूज कैसा? जिस तरह से एलपीजी को हम बर्न करके खाना पकाते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, उसी तरह से कई जगह पे नेचुरल गैस भी यूज होती है. नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर होती है, ये सिलेंडर में सेल नहीं होती, इसे पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है और वहाँ पे नेचुरल गैस एज अ एलपीजी की तरह यूज होती है. एलपीजी को रिप्लेस करके नेचुरल गैस को लाया जाता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज सीएनजी. सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड इट इज यूज इन व्हीकल्स. व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज होता है. आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा जो होता है, ग्रीन कलर का ऑटो रिक्शा आजकल चलने लगे हैं, पहले जो ब्लैक कलर के थे. और उन ग्रीन कलर के ऑटो रिक्शा पे पीछे एक सीएनजी लिखा रहता है बहुत बड़े अक्षरों में, सीएनजी. सो दैट सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अगेन, जिस तरह से पेट्रोलियम की गैस को आपने प्रेस करके, कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, कुछ उसी तरह से नेचुरल गैस को भी हम कंप्रेस करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं एंड ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं बाय रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल और डीजल. गैसोलीन और डीजल को हटा के आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करेंगे. व्हाई? बिकॉज ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल. ये कम पोल्यूशन क्रिएट करती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोल्यूशन क्रिएट करती है. एंड इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इज अराउंड 53 किलो जूल्स पर ग्राम. 53 किलो जूल. हमने देखा था कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 46.1 किलो जूल्स पर ग्राम. और इसकी 53 किलो जूल्स पर ग्राम. इट मींस एक ग्राम अगर आप नेचुरल गैस को बर्न करेंगे सो यू विल गेट 53 किलो जूल ऑफ एनर्जी. इंडिया में नेचुरल गैस का यूसेज कम होता है, एलपीजी ज़्यादा यूज होती है फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑल्सो. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे कि नेचुरल गैस ही जनरली यूज करते हैं वो फॉर कुकिंग. और एलपीजी भी यूज होती है, बट नेचुरल गैस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्यूल फॉर देम. एंड इंडिया में अराउंड 25% ऑफ एनर्जी डिमांड is fulfilled by natural gas. And this 25% is because India में natural gas ज़्यादा जगहों पर मिलती नहीं. Natural gas सिर्फ तीन जगहों पर ही मिलती है. One is Mumbai, then next is Tripura and third is Jaisalmer. इनके आसपास ही natural gas के reserves हैं. और अगर वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड जो सोवियत यूनियन है, जो यूएसएसआर है, जहाँ पे रशिया है, रशिया के आसपास की कंट्रीज हैं, वहाँ पे नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं. तो मेनली नेचुरल गैस वहीं से सप्लाई होती है. एंड नेक्स्ट जो बड़े रिजर्व हैं वो है मिडिल ईस्ट में, मीन्स जो अरेबिक कंट्रीज हैं, अरेबिक कंट्रीज के आसपास में बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व हैं. तो इसलिए ऑल वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कि नेचुरल गैस की पाइपलाइंस बिछी हुई है. रशिया से नेचुरल गैस या मिडिल ईस्ट से नेचुरल गैस इंडिया तक आती है. तो सोचिए मिडिल ईस्ट से इंडिया तक आने में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी पाइपलाइन आपको लगानी पड़ती है एंड इट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स. बहुत ज़्यादा, मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा वहाँ पे खर्चा होता है. और उसके थ्रू नेचुरल गैस को हम मिडिल ईस्ट से इंडिया में लेके आते हैं और फिर उसे रिफाइन करके यूज़ करते हैं.
एंड ये जो रिफाइनिंग एंड यूजेज वाला जो काम है, ये एक कंपनी करती है जिसका नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL। दिस कंपनी इज बेसिकली द सोल प्रोपरेटर फॉर यूजिंग नेचुरल गैस एंड रिफाइनिंग नेचुरल गैस। रिफाइन करके यही कंपनी सप्लाई करती है हर जगह गैस को। ये कंपनी बेसिकली नेचुरल गैस को रिजर्व से भी निकालती है और जो दूसरी कंट्रीज से आ रही है उनको रिफाइन भी करती है। दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इनके पास ही सोल अथॉरिटी है कि आप नेचुरल गैस को रिफाइन करिए और पूरी कंट्री में इसे सप्लाई कीजिए। वैसे तो प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी इस फील्ड में है, लेकिन मेन जो काम है दैट इज बाय दिस गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं जो नेचुरल गैस निकालती हैं और उसे रिफाइन करके सेल करती हैं। नेचुरल गैस इज बेसिकली अ कॉस्टली फ्यूल, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अदर फ्यूल, दैट्स वाई इसका यूजेज इंडिया में कम होता है। अराउंड हमने देखा कि सिर्फ 25% ही डिमांड ये फुलफिल करता है। और अच्छी चीज इसके लिए ये है कि इट्स बेसिकली अ कंप्लीट फ्यूल, इट्स अ कंप्लीट फ्यूल। कंप्लीट फ्यूल का मतलब है कि ये बर्न होने के बाद कोई रेसिड्यू नहीं देता, जैसा कि कोल आप बर्न करते हैं तो कोल बर्न करने पे ऐश बच जाती है। ओके, ऐश बच जो बचती है दैट्स अ वेस्ट, दैट्स अ रेसिड्यू, एंड इट्स नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर हम नेचुरल गैस को कंपेयर करें तो नेचुरल गैस कंप्लीट फ्यूल है, पूरी तरह से बर्न हो जाती है, ये कुछ भी कोई रेसिड्यू नहीं देती, दैट्स वाई हम इसे यूज करना प्रेफर करते हैं। एंड अगेन इट्स अ फॉसिल फ्यूल, इट मीन्स फॉसिल फ्यूल है तो इसका जो रिजर्व है वो लिमिटेड है, और रिजर्व लिमिटेड है इट मीन्स हमें इसे बहुत प्रॉपरली यूज करना चाहिए। और एनर्जी डिमांड में नेचुरल गैस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अराउंड द वर्ल्ड, हेंस हमें इसे बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट नेचुरल गैस, यू कैन नोट दिस।